आपका क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर आर वर्किंग इन मेकिंग अ सेफ्टी बोर्ड फॉर देयर स्कूल विथ टाइटल स्कूल अहेड एंड ड्राइव स्लो इन टू पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगुलर बोर्ड। नाउ तो दे हैव गिवन दिस, तो दिस इज योर ट्रायंगुलर बोर्ड, हियर इट इज रिटन स्कूल अहेड एंड सेकेंड पार्ट दे हैव रिटन ड्राइव स्लो। ठीक है, criteria is one that DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. That means these two lines are parallel. Now questions, देखो आप कैसे आएंगे। AD is equal to 2 centimeter. जो ये बोल रहा है वो हम इधर लिख लेते हैं। तो इसने कहा AD is 2 centimeter. That means this. A to D is 2. फिर क्या कहा, बी डी इज 5 सेंटीमीटर, दैट मीन दिस पार्ट इज 5। ठीक है, फिर इसने कहा ए इज 3 सेंटीमीटर, तो ए इज 3 सेंटीमीटर। देन ई सी इज व्हाट, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ठीक है, नाउ तो भाई थर्ड थ्योरम हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, वो बोलता है कि दे विल कम इन टू, अगर ये दोनों पैरेलल है देन इट विल कम इन टू प्रपोर्शन, है ना। तो हमारा प्रपोर्शन में आ जाएगा, तो यहां पर है छोटे से बड़ा ले, छोटा और ये वाला लेते हैं हम, तो हमारा देखो क्या आ जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू 3/, इसको हम ले लेते हैं ई सी, इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये देखो कितना हो गया, 5 × 3 = 15, तो एक तो 15 आ गया और दूसरा आ गया 2EC, तो EC इज 15/2, तो 15/2 हमारा ऑप्शन है क्या, देखते हैं। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन इज योर 15/2, तो दैट मीन दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो क्या बोला है इसने, इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि अभी काफी मेजर्स लिखने हैं हमको इस पे। नेक्स्ट इज AD इज 3, फिर से इसने बताया कि AD इज 3, AB इज 9, A टू B इज 9, तो 9 है टोटल, तो दैट मीन्स ये आपका 6 हो गया, है ना, 9 − 3 = 6, तो DB इज 6। नाउ फिर इसने क्या दिया है, BC इज इक्वल टू 6, तो BC इज 6। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट DE, दिस वन, तो ये भी हम वैसे ही करेंगे। तो इसमें आप क्या लेंगे, छोटा एंड बड़ा ट्रायंगल का, तो छोटा वाला ट्रायंगल का हमारा एक साइड ले लो AD इज 3, तो हमने ले लिया 3, और बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या है, देखो 6 + 3 = 9, दैट इज इक्वल टू, नाउ छोटे वाले का देखो x है ना, तो DE वी हैव टू फाइंड आउट, तो हमने इधर ले लिया DE बाई बड़े वाले का इसने दे रखा है 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या इसको कट करो, तो ये देखो आपका आ गया 3, ये 1 है ना, तो इसको कट करो 1, ये 2, तो DE इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, DE इज 2 सेंटीमीटर, तो ये देखो 2 सेंटीमीटर कहां पर है हमारा, ये वाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए डी इज 50 डिग्री, देन एंगल सी इज व्हाट, तो इसने क्या दे रखा है, एंगल ए इज 60, तो दैट मीन्स ही हैज गिवन दिस एंगल दैट इट इज 60 डिग्री, है ना, और ए डी ई इज 50, तो ए डी ई दैट मीन्स दिस इज योर 50 डिग्री, फाइंड आउट करना है एंगल सी, दैट मीन्स दिस। ठीक है, नाउ वी नो दैट दिस टू लाइंस आर पैरेलल एज ही हैज गिवन, तो दैट मींस ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर इक्वल। तो अगर छोटे वाले ट्रायंगल का देखो हमको दो मेजर्स पता है, तीसरा फाइंड आउट करना है, तो कितना है देखो क्या होता है, 3 एंगल का सम इज 180 डिग्री, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 180 − 60 + 50 = 110, तो 110, तो आपका आ गया 70,
तो दिस एंगल इज 70 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 70, तो सेम 70 देखते हैं, यस हियर इट इज। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या क्या इसने क्या दिया है, देखो ट्रायंगल ए डी ई, दैट मीन्स ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी दैट मीन्स छोटा और बड़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा है किसी कौन से चैप्टर में, सिमिलैरिटी वाले में, तो सिमिलैरिटी रूल ही लगेगा इसके अंदर और कुछ नहीं लग सकता, है ना। तो देखो ऑप्शंस क्या है आपके, देखो यहां पर सिमिलैरिटी है, यहां पर कॉन्ग्रेंट बना हुआ है, तो दे आर छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल तो कभी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, तो दैट मीन दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दैट मीन्स आपका छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया कौन से रेशियो में होगा वो हमको बताना है। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इनका रेशियो क्या होगा छोटे वाले का और बड़े वाले का, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वो हम देखते हैं। तो यहां पर देखो ऑप्शन इज दिस, है ना, तो AD देखो करस्पॉन्डिंग साइड है, बी ए बी सी का AB इज करस्पॉन्डिंग साइड, और वो भी स्क्वायर किया हुआ है, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट है ना, ये एकदम गलत है क्योंकि इसका स्क्वायर गायब है, इसमें इसमें वन लिखा हुआ है, दे आर नॉट इक्वल, तो वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको करना है।